गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। मैं पंकज कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर महाराजा आता आरा, आज आप लोग का सप्तम क्लास में स्वागत है। सातवां क्लास में चैप्टर सिक्स पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले एक दो वीडियो में हम लोग कक्षा सप्तम में चैप्टर सिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े। एक बार पहले पुनः स्मरण कर लें, हम लोगों ने इसमें डिफरेंट ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल से कि कितने काइंड्स हो सकते हैं, ट्रायंगल को काइंड्स के आधार पर कितने भागों में हम बांट सकते हैं, साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर, उसमें वर्टेक्स, एंगल्स, साइड, इन सारे के बारे में पढ़ चुके हैं। दो प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के बराबर होते हैं। अब इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था और आप लोगों को होमवर्क में कुछ ट्राई भी किया था मैंने बनाने के लिए। तो आप लोगों में से कुछ भैया बहनों के द्वारा पूछा गया था ट्राई बीच के कुछ क्वेश्चन को, उन आज मैं इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए उन ट्राई बीच के कुछ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आपके सामने बोर्ड पर मैंने कुछ ट्राई बीच से क्वेश्चंस लिख दिया है, आप सारे के पास से पुस्तक है, पुस्तिका है, आप उन पुस्तक को निकालिएगा और सामने इसको देखिएगा, ठीक है, और देखकर तब समझिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक। यहां पर हमने दिया है चैप्टर सिक्स क्लास सेवन चैप्टर सिक्स क्लास सिक्स क्लास सेवन चैप्टर सिक्स ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्राई बीच पेज नंबर 118 पेज का ट्राई बीच का क्वेश्चन नंबर 3, जिसको कि आप लोगों ने पूछा है उसका मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। लिखा है यहाँ समथिंग रॉन्ग, इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिएगा पढ़िएगा, इसमें छोटा सा मैंने एक सिंबल लिखा है इज समथिंग रॉन्ग, यानी ये फिगर जो बनाया है इस फिगर में क्या समथिंग रॉन्ग है इसको हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये मान लीजिए कि 50 है और ये मान लीजिए कि आपको यहां पर 60 है, तो ये आपका निश्चित है इन दोनों का सम 6 × 5 = 11 110 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम के बराबर होता है, हम प्रॉपर्टी में पढ़े हैं। तो ये 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हमारा होगा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करना है, इसको मिटा दे रहे हैं, तो यहां पर अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि यहां पर नेम दे दे रहे हैं ए बी सी और इसका नाम दे दिए यहां पर डी, तो ये हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी मस्ट बी इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल ए सी डी इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग यहाँ 50 + 50 यहाँ करते हैं इज इक्वल टू यहाँ 50, ये 100 डिग्री इक्वल टू 50, ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ये आपको क्या है रॉन्ग है, यानी ये प्रॉपर्टी जो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हैं उसके आधार पर ये फिगर हमारा क्या हो गया गलत हो गया। वही चीज यहाँ पर कर रहा है इज समथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि रॉन्ग है, यहाँ पर हमारा रॉन्ग है कि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, इस तरह से ये फिगर हमारा संभव नहीं है, ठीक है। अब ट्राई बीच में ही आप लोगों ने दूसरा प्रश्न पूछा था, दूसरा प्रश्न पूछा था पेज नंबर 123 से 124 से क्वेश्चन नंबर 1, या उसके पहले सबसे पहले हम लोग विचार किया गया 123-124 के पहले ट्राई बीच 122 पेज नंबर 122 का ट्राई बीच क्वेश्चन नंबर इसका 3, ठीक है। द आप लोग लिखिएगा अपने पुस्तक में थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, यानी तीन एंगल का रेशियो दे दिया है, रेशियो इन थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1:2:1 दिया हुआ है। अब करा फाइंड ऑल द एंगल्स, आपको सारे एंगल्स निकालने हैं उस ट्राइंगल के, और उस तो सबसे पहले इसमें एक पार्ट और लिखा है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लिया है उसको, तो इसमें भी दो तीन तरीका से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं यहां पर ऑल द लेट ऑल द सॉल्यूशन, यहां से आप बना सकते हैं इसको, यहां से रेशियो इन द इन थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम लोग ऑल द थ्री एंगल
एंगल्स को हम लोग मान ली है वन है तो वन एक्स डिग्री, तो वन एक्स डिग्री तो वन तो लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ एक्स डिग्री, कॉमा टू है तो टू एक्स डिग्री, कॉमा वन है तो इसमें लिख सकते हैं वन एक्स डिग्री, तो वन एक्स डिग्री ना लिख के इसके लिए अपन हम एक्स डिग्री लिखेंगे। हमको ट्राइंगल के तीन एंगल मिल गए, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है भाई, तो एक्स प्लस टू एक्स डिग्री प्लस एच डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर डिग्री 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 इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर सीधे हम लोग एक्स लेंगे, एक्स टू एक्स एक्स तो कितना हो जाएगा 4x, 4x इक्वल टू 180 जोड़ देंगे इसको, 1 यहां छिपा रहता है, यहां 2 हो गया तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहां सारे जगह सेट आ गए, अब 4x तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई 4। अब 4 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 चौके 16, 20 हो गया, तो 4 पचे 20, 45 आ गया, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया 45। अब हमको 3 एंगल्स निकालना है, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल तो फर्स्ट एंगल क्या है हमारा x डिग्री, तो x डिग्री तो इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसको ठीक से लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मार देते हो, डायरेक्ट नहीं करना है। फिर सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 2x डिग्री है, 2x डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 2 के जगह 2 और x, तो x का वैल्यू हमारा आ गया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अब हमारा हो गया 45 दूनी 90, 90 डिग्री हो गया। अब फिर थर्ड एंगल, थर्ड एंगल आपका क्या है, वो भी आपका x डिग्री है, इज इक्वल टू 45 डिग्री, आपका ये तीनों आंसर हो गया, यानी पहले पार्ट का तीन आंसर, मतलब कि ट्राइंगल के तीन एंगल को निकालिए, तो ट्राइंगल के तीन एंगल आ गए 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड थर्ड एंगल 45 डिग्री, पहला काम हमने इसमें कर दिया। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, अब इसमें सेकेंड पार्ट में कह रहा है क्लासीफाई द ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वे, ट्राइंगल को आपको दो डिफरेंट वे से क्लासीफाई करना है। तो यहां देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तो दो एंगल आपका 45 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री का, अगर एंगल के आधार पर बोलेंगे तो एक किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल भी अगर 90 डिग्री का होता है तो कैसा एंगल, कैसा ट्राइंगल होता है बताइए तो आप लोग, किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल भी 90 डिग्री का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्राइंगल या राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो एक एंगल 90 डिग्री है तो पहला आधार पर अगर इसको हम कैटेगराइज करें इस ट्राइंगल को जो हमारा पूछ रहा है कि टू डिफरेंट वेज, तो पहले वेज से अगर हम इसको कहें तो इस ट्राइंगल का नाम हम बोल सकते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। दूसरा तरीका भाई किस तरह से बोलेंगे, तो देखिए इसके दो एंगल बराबर है, तो जिस ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो गए, मान लीजिए कि ये अगर हो गया ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने का साइड भी क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। तो इस आधार पर दो साइड अगर बराबर होते हैं तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, याद कीजिए ट्राइंगल का साइड के आधार पर तीन है, क्या क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो, ठीक है, उसके बाद स्केलेन ट्राइंगल जिसके एक भी साइड, कोई भी दो साइड बराबर नहीं हो, तीनों अलग अलग साइड हो, और तीसरा आइसोसेलस ट्राइंगल जिसके की दो साइड बराबर होते हैं। तो देखिए यहां पर दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, इसका मतलब किस तरह का साइड के आधार पर अगर हम कहें तो किस तरह का ट्राइंगल होगा, आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है, इक्वेटर नहीं होगा, स्केलेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ट्राई दीजिए पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से इसको देखिएगा, पॉज करके इसको बार बार देखिएगा, समझिएगा। अब हम लोग आएंगे ट्राई दीज पेज नंबर 123-124 पर, ठीक है। सुमिटा दे रहे हैं यहां पर,
आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं पर डे जो पढ़ रहे हैं उसको CW में आप लोग उतारेंगे, जैसे क्लास में बताया जाता है CW कॉर्नर पर हम लोग लिखेंगे CW, डेट देंगे उसका, जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है उसको CW की कॉपी पर बनाएंगे, और उसके बाद जो होमवर्क हमको मिलता है उसको फिर HW लिखकर उसको होमवर्क बनाया करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 123-124 में। पेज नंबर 123-124 में क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा और आठवां बताना है, और उसके बाद नौवां बताना है, फिर क्वेश्चन नंबर दो का क्वेश्चन नंबर थ्री बताना है। ये चार क्वेश्चन पर और हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो इसको भी मिटा दिया जाए, ये वाला जो पहला पेज है तो सबसे पहला इसमें ट्राई दीज का पेज नंबर चलेंगे, इसमें पहला का तीसरा, पहला का तीसरा में क्या है, फिगर बनाया हुआ है। यहां पर दिया है इनको 50 दिया है और ये x दिया है। ठीक है, इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहां देखिए स्ट्रैंगल का नाम हम लोग नाम भी चाहे तो दे सकते हैं A B C। तो यहां पर हम देखते हैं कि C और B, C एंगल दिया 50 और B एंगल दिया x, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक चीज और देखें कि यहां पर AB = दिया है AC, और जब AB और AC बराबर है तो इसके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कि एंगल B = एंगल C, ये प्रॉपर्टी हम लोग 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको रिमाइंड भी कर लेंगे। इसमें यहां पर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट इक्वल एंगल अपोजिट इक्वल साइड, इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया एंगल है, एंगल है अपोजिट किसके, इक्वल साइड के, एंगल अपोजिट इक्वल साइड, यानी साइड अगर इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो बी के सामने हम लिख दिए एक्स और सी के सामने लिख दिए क्या 50, यानी एक्स का वैल्यू हो गया हमारा 50। तो एक्स डिग्री अगर यहां पर होगा तो यहां पर 50 डिग्री हो जाएगा, यानी एक्स डिग्री तो यहां पर क्या हो जाएगा 50 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू हो गया हमारा 50 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर आपके ट्राई दीज के पेज नंबर 123-124 का क्वेश्चन नंबर पहला का थ्री। अब इस पर हम लोग थोड़ा विचार करें क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फिगर है इस तरह का आपका फिगर है, यहां पर भी नाम हम लोग दे सकते हैं, यहां पर नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी है। यहां पर इन दोनों को इक्वल दे दिया, इन दोनों को इक्वल दिया है। और भाई वैसे और एक एंगल दिया है एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री। इसमें देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करेंगे, सारे प्रॉपर्टी। इसीलिए मैथमेटिक्स में बार बार कहते हैं हम कि हम ये नहीं सोच सकते कि हम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, हम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन पिछले का 6, 5, 4 सारे का रूल हमें याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, तब जाकर हमारा मैथ अच्छा होता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले लीनियर पेयर का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले एंगल हम लोग CBD निकालेंगे। तो CBD कैसे निकालेंगे, 180 - 110 डिग्री। इसमें कौन से कंडीशन का प्रयोग किया गया, कौन से रूल का, तो लीनियर पेयर, LINEAR लीनियर पेयर। ये कंडीशंस, ये प्रॉपर्टी हम लिख कर प्रयोग करेंगे। इससे फायदा क्या होता है कि हमको वो चीज बढ़िया से समझ में आता है, बार बार पुनः स्मरण होता रहता है। तो हमारा हो गया एंगल CBD = हो गया हमारा 70 डिग्री, यानी ये हमारा एंगल हो गया 70 डिग्री, ये एंगल हमारा निकल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर वाले को मिटा देते हैं। और ये सारे क्लासेस आपको वीडियो तो रहे, तो ये नहीं कि आचार्य जी मिटा दी तो हम कर नहीं पाए, हम वीडियो को पॉज करके हम वो चीज को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 70 डिग्री हो गया हमारा। अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसका मतलब अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं, यहां पर लिख सकते हैं सिंस BC = BD, देयरफॉर एंगल C = एंगल D, एंगल C = एंगल D। अब यहां कंडीशन क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी एंगल्स अपोजिट
इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक तरीका और भी काम कर सकते हैं बाई, अभी देखिए यहां पर हम दो तरीका आप लोग को बताने वाले हैं कि जैसे ये दोनों इक्वल आ गया तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, किसमें भाई, ये फर्स्ट मेथड अभी बता रहे, ध्यान रखिएगा यहां पर लिख दे रहे हैं फर्स्ट मेथड। अब यहां पर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी में चलेंगे, तो बी सी डी में चलेंगे तो हो गया हमारा कितना 70 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल या लिख सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एकदम आराम से सारा चीज समझते समझते चलेंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग एड कंटिन्यू इसी तरह सिलेबस पर है, सिलेबस से बहुत हम लोग पीछे नहीं है, एकदम सिलेबस के साथ है, सिलेबस से थोड़ा सा आगे ही है। अब यहां पर देखिए दोनों इक्वल है तो 70 डिग्री प्लस सी और डी और सी इक्वल है तो डी के जगह पर भी हम सी लिख सकते हैं इक्वल टू 180, टू एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 110 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू हो गया कितना 110 डिग्री, ये टू यहां गुना में तो टू यहां बाई में आ जाएगा, ठीक है। ये साइन देते इंप्लाइड का साइन देते चलेंगे तो यहां पर एंगल सी इज इक्वल टू हो गया, दू से काट देंगे इसको तो दू पचे दस, फिर दू पचे दस 55 डिग्री, तो सी का वैल्यू आ गया हमारा कितना 55 डिग्री। अब फिर यहां पर लिख सकते हैं सिंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। यहां पर हमको इसका वैल्यू निकालना, तो एक्स का वैल्यू आ गया, हम लोग लिख सकते हैं देयरफोर एंगल डी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 55 डिग्री आंसर। ये फर्स्ट मेथड हो गया, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा समझ लीजिएगा। अब हम सेकंड मेथड पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ओके। आप लोग इसको पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, सेकेंड मेथड पर चर्चा करेंगे। तो सेकेंड मेथड के लिए यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू बी डी, देयरफोर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब देखिए यहां पर हम रूल नहीं लिख रहे, प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग को ध्यान करने के लिए इसके पीछे वाला जो फर्स्ट मेथड बताया है उसमें इसका रूल प्रॉपर्टी लिखे हैं, तो ये आप लोग स्वयं लिखिएगा वहां से देखकर कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बाई एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या, तो हमारा हो गया यहां पर एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, सी के जगह पर सी और डी बराबर है तो C के जगह पर भी D लिख दिए, प्लस D तो हमारा D है ही और इक्वल टू हो गया 110 डिग्री। अब 2D हो गया, 2 एंगल D इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू हो गया 110 डिग्री बाई 2, एंगल D इज इक्वल टू हो गया आपको दो से इसको कटा देंगे तो 2 पांच 10 55 डिग्री, और D का देखिए वैल्यू क्या है x, तो लिख देंगे x इज इक्वल टू 55 डिग्री आंसर। ये हमारा थोड़ा छोटा मेथड से बन गया, तो भाई बच्चे हमें स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट डिफरेंट तरीका से प्रयोग कर सकते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये छोटा तरीका भी आपके सामने है, ये सेकंड मेथड हो गया, सेकंड मेथड, ठीक है। आप इसको उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा समझ जाएगा आप उसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलेंगे, ये हमारा हो गया आठवां नंबर, अब हमको चलना है क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको मिटा दे रहे हैं, इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई,
इस तरह का फिगर बनाया हुआ है, फिगर बना लिया जाए एक बार। यहां पर x है और यहां पर आपको 30 डिग्री है, यहां पर आपको इसको और इसको इक्वल दिखाया है और यहां इसको आगे कर दिया है, ठीक है। यहां पर हम नाम लिख सकते हैं, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एंगल b, BCD, एंगल BCD इज इक्वल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, एंगल बी सी, एंगल ए, देखिए यहां पर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल होगा, ए बी सी और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इक्वल टू 30 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से होगा बताइए आप लोग, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है सिंस BC इज इक्वल टू AC, और अभी हम लोग पीछे भी पढ़े हैं BC और AC, ये प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको लिखना है BC इज इक्वल टू AC, पीछे वीडियो में देखिएगा, इसी वीडियो में ये साइड्स अपोजिट इक्वल है, ये दिया है साइड ये दोनों बराबर, तो एंगल हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे प्रॉपर्टी, एंगल आपको हो जाएगा BC, तो बीसी के सामने, बीसी के सामने एंगल ए है, मतलब कि एक्स है, यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एसी, एसी के सामने कौन है एंगल ए बी सी है, और यहां पर हमको लिखना है वो प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी से जो याद करके आप लोग लिखिएगा, इम्प्लाइडर क्या देंगे, इम्प्लाइडर के यहां पर एक्स इज इक्वल टू ए बी सी का वैल्यू हम लोग यहां पर निकाले हैं 30 डिग्री, तो यहां पर हो गया ये हमारा 30 डिग्री, यहां पर लास्ट है तो इसलिए देयरफॉर भी दे सकते हैं, ये हमारा एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो अगर मौखिक देख रहे हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल, बहुत सिंपल सा था। अब हम लोग देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2, सबको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम लोग विचार कर रहे हैं यहां पर, तो फिर दोनों यहां पर फिगर बना लिया जाए थोड़ा सा एक, ठीक है। यहां फिगर बना दिया गया है, ये दिया है 92 डिग्री और यहां पर दिया गया x, यहां पर दिया गया बाहर दिया गया इसको, ठीक है, देखिएगा यहां पर बाहर दिया गया इसको कितना